नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं YouTube चैनल राजपूत टेक्निकल। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉनिक बैलास्ट या इलेक्ट्रॉनिक चोक को किस प्रकार से इंस्टॉल किया जाता है या इसकी वायरिंग कनेक्शन किस प्रकार से किए जाते हैं। यह सब जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक आप देखते रहिए। नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि यदि वे पहली बार हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो उनसे भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी उनको मिल सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास एक ट्यूबलाइट रखा हुआ है जिसमें एक यहाँ आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल चोक लगा हुआ था जिसके चारों स्क्रू हमने यहाँ से निकाल दिए हैं और इसके वायरिंग कनेक्शन भी हम निकाल चुके हैं ताकि अब टाइम वेस्ट ना हो। तो इसकी जगह अब हम एक इलेक्ट्रॉनिक चोक जो है यहाँ पर दिया हुआ है, फिलिप्स कंपनी का है ये इसे हम इलेक्ट्रॉनिक बेलास्ट भी बोलते हैं, इसे हम इसकी जगह लगाएंगे। ये ख़राब हो चुका है हमारा इलेक्ट्रिकल चोक, तो इसकी जगह हम इलेक्ट्रॉनिक चोक को लगाने वाले हैं। तो इसमें किस प्रकार से वायरिंग करते हैं, किस प्रकार से इसका इंस्टॉलेशन किया जाता है, ये सब पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक चोक है इसमें टोटल 6 वायर होते हैं। दो ये इनपुट सप्लाई के वायर हैं जहाँ पे हम एसी सप्लाई देते हैं, और इसमें ग्रे कलर का वायर और वाइट कलर के वायर, तो ये टोटल 4 आउटपुट के वायर हैं और 2 इनपुट के वायर हैं। तो इसको हम इसकी जगह कनेक्ट करेंगे। तो अब हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब ये जो चोक है, इलेक्ट्रॉनिक चोक, इसको हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रॉनिक चोक है इसका एक फ़ायदा ये है कि एक तो बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है, इसको हम ऑन करते से ही यानी ये तुरंत स्टार्ट होता है, ब्लिंक करके स्टार्ट नहीं होता है, जबकि जो इलेक्ट्रिकल चोक है हमारा ये फ्लिकरिंग करके फिर स्टार्ट होता है, जबकि ये इंस्टेंट स्टार्ट होता है। दूसरा, ये लो वोल्टेज पे भी प्रॉपरली वर्क करता है, जबकि जो इलेक्ट्रिकल चोक है ये लो वोल्टेज पे ट्यूबलाइट उठती नहीं है, तो ये इसमें एक बेनिफिट है। तो अब हम इसको यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। ये चारों स्क्रू हम यहाँ पे इसको लगा के इसको टाइट कर देंगे। इसको हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। इसको हम यहाँ से सही तरीके से रख लेते हैं। ये इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको अब इसमें स्क्रू लगाने वाले हैं। और आप देख सकते हैं हमने इसके चारों स्क्रू को अच्छी तरह से टाइट कर लिया है। अब ये जो आउटपुट के जो वायर हैं इन्हें हम यहाँ पे जो साइड होल्डर दिए हुए हैं, एक यहाँ पे लगा हुआ है साइड होल्डर और एक इस साइड में लगा हुआ है, इन दोनों साइड होल्डर में इन दोनों वायर को हम अब कनेक्ट करेंगे। इसमें एक और अच्छी बात है कि इसमें जो यहाँ पर जो स्टार्टर लगा हुआ है, जो पुराना वाला जो इलेक्ट्रिकल चोक जो लगा हुआ था इसमें इस स्टार्टर की आवश्यकता पड़ती थी स्टार्ट करने के लिए, बट जो इलेक्ट्रॉनिक चोक है इसमें इस स्टार्टर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अब हम सबसे पहले जो साइड होल्डर हैं इनको ओपन कर लेंगे। इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 स्क्रू दिए हुए हैं, इनको हम यहाँ से लूज़ करेंगे और इस सॉकेट को, इस साइड होल्डर को यहाँ से निकाल के इनमें ये वायर हम कनेक्ट करेंगे। तो दोनों साइड के साइड होल्डर को हम इसी प्रकार से ओपन कर लेते हैं। और देख सकते हैं ये साइड होल्डर हमने यहाँ से ये दोनों स्क्रू यहाँ से निकाल लिए हैं। ठीक है, ये हमारा आ चुका है साइड होल्डर, और दूसरे साइड वाले को भी हमने यहाँ से ये निकाल लिया है। अब इनमें हम ये दोनों वायर जो है आप देख सकते हैं आउटपुट के ये दोनों वायर, इनको हम एक एक साइड में लगाएंगे। एक साइड हम वाइट वाले वायर लगाएंगे और दूसरी साइड ग्रे वाले। इनकी लेंथ काफ़ी है, ये इजीली यहाँ से सॉकेट में आ जाएंगे। इसी प्रकार से ये दूसरा वाला ग्रे वायर, इसको हम दूसरी साइड में कनेक्ट करेंगे, ये भी इजीली यहाँ पे आ जाएगा। आप देख सकते हैं हमने नए कनेक्शन इलेक्ट्रॉनिक चोक के यहाँ से आप देख सकते हैं ये वाइट वाले वायर जो आ रहे हैं यहाँ से हमने ये लेके यहाँ से इनको इस होल में से निकाल के और ये हमने दोनों
वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। इसी प्रकार से दूसरी साइड के ग्रे कलर के जो वायर हैं इनको यहाँ से हमने इस होल में से निकाल के और यहाँ से इस होल से निकाल के ये दोनों वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है हमने। अब ये साइड होल्डर को हम वापस यहाँ पे स्क्रू से टाइट कर देंगे दोनों साइड के। अब आप देख सकते हैं हमने ये साइड होल्डर को यहाँ से स्क्रू दोनों लगा दिए हैं और इसी प्रकार से हमने दूसरे साइड होल्डर को भी यहाँ से इसको दोनों लगा के इसको कनेक्ट कर दिया है। अब हम जो इलेक्ट्रॉनिक चोक है इसके जो इनपुट वाले जो एसी सप्लाई के वायर हैं इनको हम यहाँ से इस होल में से निकाल के यहाँ एक जंक्शन बॉक्स दिया हुआ है यहाँ से पुराने वायर को यहाँ से निकाल के इसमें हम इनको कनेक्ट करेंगे। तो इसको हम यहाँ से पहले निकाल लेते हैं। अब हम इस जंक्शन बॉक्स में इन दोनों वायर को कनेक्ट करेंगे। पुराने वाले इनको अलग कर देते हैं। ये हमने दोनों वायर को अलग कर दिया है। अब ये सप्लाई के वायर को हम इसमें कनेक्ट करेंगे। अब आप देख सकते हैं यह हमने इलेक्ट्रॉनिक चोक के इनपुट के जो दोनों वायर हैं यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिए हैं इस जंक्शन बॉक्स में। यहाँ हमारा एसी के ये वायर लगे हुए हैं, ये लीड लगी हुई है। अब हमने पूरी इसकी वायरिंग कनेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इस रॉड को इस फ्रेम में वापस फिट करेंगे, दोनों साइड होल्डर में कनेक्ट करेंगे और फिर इसको ऑन करके हम देखेंगे। तो बाकी के ये जो वायर हैं हम इसे बाद में निकाल लेंगे जो पुराने वायर हैं। अब हम इस रॉड को इसमें वापस फिट करके देखते हैं। इस प्रकार से फिट करके हम इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा लेंगे। अब हम इसमें सप्लाई देते हैं एसी सप्लाई, ये हमने कनेक्ट कर लिया है। स्विच को ऑन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारी जो ट्यूबलाइट है प्रॉपरली इंस्टेंटली स्टार्ट हो गई है और बहुत ही अच्छी तरह से ये काम कर रही है। आप देख सकते हैं प्रॉपरली ग्लो हो गई है। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।